पापा उठा लो फोन। मैंने बोला था मत जाओ, ये महीना घर से बाहर निकलना अशुभ है। फोन नॉट रीचेबल जा रहा है बार बार। है दीदी, क्या हुआ? मामा आप यहाँ कैसे? वे तभी माँ का कल फोन आया कि जल्दी आ जा। इंदौर से दिल्ली भाग के आए हो क्या? नहीं हाफ रहे हो। मैं भुखलैंडी के सीढ़ी चढ़ाऊ इसलिए हाफ रहा हूँ। है दीदी क्या हुआ? तेरे जीजा जी, अरे जीजा जी मर गए। क्या गजब हो गया ये। ऐ बेटा तुझे मैं कभी बाप के कभी महसूस होने नहीं दूंगा। ऐ दीदी तुम बिधवा हो गई, बिन मूंगफली की चिड़वा हो गई। ऐ भगवान ये बहुत गलत किया तूने। क्या किया? इतना भला आदमी था मेरा जीजा। मामा पापा जिंदा हैं? हाँ बैंकॉक गए थे, अभी तक नहीं लौटे। ऑफिस मीटिंग के लिए गए थे। बे लोग बैंकॉक मीटिंग के लिए नहीं मीटिंग के लिए जाते हैं। उन्होंने बोला था रात तक आ जाएंगे, सुबह हो गई। फोन मिला के देखता हूँ। मैं नंबर तो बिजी जा रहा है। हाँ मेरा भी बिजी जा रहा है। What? Oh no! Sorry, sorry, sorry. मैं 10-12 लोगों का ग्रुप बना देता हूँ जो अंकल को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। मैच किसी गुमशुदा कुत्ते को नहीं ढूंढ रहे, मेरे जीजा जी को ढूंढ रहे हैं। 10-12 बंदों से कुछ नहीं होगा। मैं हाइक पे 1000 बंदों का ग्रुप बना रहा हूँ। 1000 बंदों का ग्रुप हाइक पे बन सकता है? पाताल से ढूंढ के निकालेंगे जीजा जी को। कहाँ से निकालेंगे? पाताल। मामा टेंशन हो रही है। तू टेंशन क्यों लेता है? तेरा मामा अभी जिंदा है, कुछ नहीं होगा जीजा जी को। दीदी चाय बनाना जरा। सुन बेटा मेरे खुद की गांड फट रही है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर तेरी माँ को पता चला कि मुझे टेंशन है तो बेचारी बावली हो जाएगी। और तुझे पता है जब ये टेंशन में होती है तो कितना पाकती है। स्कूल में तो रिजल्ट के 2-3 दिन पहले तेरी माँ को गैस हो जाती थी, पूरा घर सड़ा देती थी। सारा खानदान खटिया बिछा के बाहर सोता था, ये अंदर बौखलाई चुड़ैल जैसी पाकती फिरती थी। मुझे तो टेंशन है, तेरा बाप गया कहाँ? बैंकॉक गए थे मीटिंग के लिए, बोला था कल आ जाएंगे लेकिन अभी तक नहीं आए। लगता है वहाँ जाके अंकल का पैर फिसल गया। पागल है पापा, ऐसे नहीं है। होता ऐसा कोई नहीं, बनते हैं सब भोले। घर में बांधा नाड़ा बैंकॉक जाके खोले, और वहाँ तो लड़का लड़की में फर्क करना ही मुश्किल है। नाम एंजल, पैरों में सैंडल, टांगों के बीच में ब्रिंजल। लेडी बॉय। लेडी बॉय मतलब? कुछ नहीं दीदी, गांव में एक लेडी है उसको बॉय हुआ है। ये कब आएंगे? आ जाएंगे मम्मी, वैसे भी पापा घर का खाना ज्यादा दिन तक मिस नहीं कर सकते। मुझे बोले वहाँ का खाना पसंद नहीं आएगा तो पराठे और वायग्रा पैक करके दे दे। वायग्रा? हैवी ब्रेकफास्ट। ओह यार। कितने डब्बे? 3। मैं क्या कुआं खोदने गया तेरा बाप? अरे वो विनेगर कह रही है ना मम्मी। हाँ। वायग्रा वैसे इफेक्टिव होता है क्या? मूंगफली पे नहीं। दीदी जरा बिस्किट लाना। तो बे एक बार जोश में मैंने वायग्रा खा लिया था, 2 दिन तक पेट के बल नहीं लेट पाया। क्यों? पेट के बल लेटता था तो मेरा शरीर ऐसा लगता था पूरा फ्लाईओवर एक पिलर पे खड़ा है। कौन खड़ा है? मैं इसको बोल रहा था टेंशन मत ले, तेरा मामा तेरे साथ खड़ा है। कौन खड़ा है? वायग्रा वाला नुन्नू। मामा जब आप बैंकॉक गए थे तब आपको भी लड़का लड़की में फर्क नहीं दिख रहा था? ए दीदी जरा आलू भुजिया लाना। तो मैं टीटू नाम है मेरा, प्रेग्नेंट कुतिया के थन गिन के बता देता हूँ कितने पिल्ले गिराएगी। चेहरा देखा तो निकोल किडमैन, आवाज सुनी तो मॉर्गन फ्रीमैन। फटाक से समझ गया कि ये झुकने में नहीं झुकाने में इंटरेस्टेड है। बैंकॉक का पकेले गए थे? ए दीदी जरा अमरूद काट के देना। तो जो चाहिए एक बारी में मांग ले, बार बार अंदर बाहर नहीं करूंगी मैं। हाँ चीकू बोल, कुछ पता चला? अरे गुजर गए पापा।